सुबह से अपने गाइस कैसे हैं आप लोग। आई होप यार आप सभी लोग होंगे एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास। सो गाइस आज की इस वाली वीडियो के अंदर तुम्हारा स्वागत है। तो आज इस वाली वीडियो के अंदर मैं देखने वाला हूँ कि अपन लोग GTA 5 को कैसे खेल सकते हैं मोबाइल के ऊपर। तो इसके लिए चलो यार थोड़ा रिसर्च के साथ देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं अपन लोग। सो सबसे पहले गाइस हम लोग यूज करने वाले हैं ChatGPT को एंड देखते हैं गाइस ChatGPT हमें क्या सजेस्ट करता है एंड उसके हिसाब से हम लोग पहला स्टेप अपना कंप्लीट करेंगे। ये रिकमेंड की स्पेलिंग क्या होती है यार, एक तो इंग्लिश नहीं आती यार। शर्म करो, भगवान से डरो। क्या रे भिक मंगिया, क्या देख रहा है? तो GPT के ये बोलने के बाद मैं चला गया डायरेक्ट YouTube के ऊपर एंड YouTube के ऊपर मेरे को फाइनली घंटों तक रिसर्च करने के बाद दो गेम्स मिले जो रियली में भाई काफी ज्यादा हाई ग्राफिक्स के साथ GTA वाली फील दे रहे थे। चलो दिखाता हूँ तुमको। ये जो गेम है ये स्टार्टिंग में एकदम से भाई GTA वाली वाइब देता है भाई। इसका स्टार्टिंग तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो, इसका इंट्रो कैसा है भाई, मतलब एकदम GTA 5 जैसा ये स्टार्ट होता है। ये गाइस फैन मेड गेम है तो इसमें ग्लिचेस तो आप लोगों को पता ही है भर भर के रहेंगे, क्योंकि भाई एक बंदा कितना बना सकता है। बाय द वे गाइस ये गेम की ओवरऑल ग्राफिक आप लोगों को मैंने एक मोन्टेज से दिखाया, घटिया सा मोन्टेज, सस्ता सा था, बट देख लिया तुमने कैसा ग्राफिक है एंड यहाँ पर भी तुम लोग देख ही सकते हो। एंड गाइस कंट्रोलिंग वगैरह की बात करें तो कंट्रोलिंग वगैरह ठीक ठाक है, मतलब सब चलता है, बट गाइस इसमें मैप का जो भाई झोल है ना मेरे को भाई समझने से ऊपर लेवल का है, थोड़ा ग्लिच इसके अंदर, बट ओवरऑल कोई मिशन वगैरह देखने के लिए मिलता होगा नहीं मिलता होगा, मेरे पास आधे घंटे का बस एक्सपीरियंस है क्योंकि भाई वीडियो जल्दी जल्दी बनानी होती है ना, इसलिए मजाक कर रहा हूँ गाइस, जस्ट किडिंग गाइस। तो देखो इस गेम का मैं ऑनेस्टली तुम लोगों को बताऊं तो इस गेम का साइज है 500-550 MB के आसपास। इस गेम के अंदर तुम लोगों को ग्राफिक जो अभी तुम लोगों को स्टार्टिंग में जैसे दिखने के लिए मिलती है उसके अलावा तुम लोगों को और कुछ नहीं मिलेगा। गेम के अंदर ग्लिचेस तुम लोगों ने देखा कैसे रोड के अंदर चली जा रही है हमारी कार, ऐसा वैसा है, बट गाइस एक फैन मेड गेम है तो आप लोग समझ सकते हो कितना ज़्यादा उस बंदे ने मेहनत किया होगा तब जाके ऐसा वैसा बनाया, क्योंकि भाई मोबाइल के लिए GTA 5 गेम बनाना इम्पॉसिबल सा है, बट उन्होंने पॉसिबल किया है तो सैल्यूट है उनको। बट गाइस और भी तुम लोग अगर इसको डाउनलोड करके खेलोगे ना और चीज़ों को अगर बगेस एंड ग्लिचेस को इग्नोर करो ना तो गेम बहुत ज़्यादा तुम लोगों को फन देने वाला है, एक बार जरूर डाउनलोड करके देखना। 500 MB क्या ही आता है। तो ये अब होता है हमारा सेकेंड वाला गेम एंड ट्रस्ट मी गाइस ये गेम भी काफ़ी ज़्यादा सही है। चलो मैं तुम लोगों को इसके फीचर्स के बारे में दिखा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोग यहाँ पर इंट्रो देख सकते हो भाई कैसा है गेम का, एंड यहाँ पर चैनल का नाम आ जाता है जिस बंदे ने इसको क्रिएट किया है। बाय द वे गाइस इस गेम का जो भाई बैकग्राउंड म्यूजिक है ना तुम लोग एक बार सुनो एंड मेरे को बताओ भाई कैसा लग रहा है तुम लोगों को। अब तुम लोग मेरे को कमेंट में ये बात बताना कि भाई तूने कैसा सुना यार बैकग्राउंड म्यूजिक, ऐसा सुनाई देता है क्या? तो देखो ऐसा नहीं सुनाई देता है, मैंने रिकॉर्डिंग के टाइम ये नहीं ख्याल रखा था कि जो मेरे फ़ोन का जो रिकॉर्डिंग ऑडियो वाला सिस्टम है वो सिस्टम नहीं माइक पे है, तो इसलिए मैंने ये बैकग्राउंड म्यूजिक माइक से रिकॉर्ड हुआ है माइक्रोफोन से फ़ोन के और इसीलिए ऐसा आ रहा है। बाय द वे गाइस ऐसा अच्छा भी है, ऐसा आया है क्योंकि ऐसे कॉपीराइट भी नहीं आएगा, कॉपीराइट का दिक्कत होगा तो भी कॉपीराइट नहीं आएगा, ये भी अच्छी बात है। बाय द वे गाइस अगर तुम लोगों को भी स्टार्टिंग में तुम्हारा जो गेम है वो पूरा काला काला दिखाई देगा तो यहाँ पे पोस्ट प्रोसेसिंग को ऑफ कर देना, ऑन रहेगा उसको ऑफ कर देना तो तुम लोगों का भी मेरे जैसा ठीक हो जाएगा। इसमें ग्लीच है, किसी किसी फ़ोन में चलता है पोस्ट प्रोसेसिंग वाला चल जाता है और किसी किसी में नहीं चलता, तो मेरे में नहीं चल रहा था तो मैंने इसको ऑफ कर दिया। हाँ थोड़ा सा गेम स्टार्ट करोगे तो ये तुम लोगों को थोड़ा सा लैगी देखने के लिए मिलेगा जैसा कि तुम लोग यहाँ पर देख ही सकते हो। तुम लोग रिजोल्यूशन को थोड़ा घटा बढ़ा के ठीक कर सकते हो इसको। बाय द वे
तो ग्राफिक मैं तुम लोगों को बाहर जाके दिखाऊंगा, बट इधर तुम लोग देख सकते हो, यहाँ से तुम लोग अपना घर लीव कर सकते हो। नीचे जाओगे तुम लोग गैराज देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पे जाओगे तो बाहर निकल जाओगे। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो ये बाहर का हमारा ग्राफिक है। ओवरऑल मेरे को जो व्यू आ रहा है ये काफी ज्यादा सही लग रहा है भाई। एंड सामने मेरी कार खड़ी है। वाओ, बाय द वे अभी मैंने कुछ इसके रिसोल्यूशन में गिराउट की है, मतलब शेडो वगैरह ऑफ कर दिया है, क्योंकि भाई गेम लैग हो रहा था। पता नहीं मेरे फोन में आजकल क्या हो गया, सब गेम लैग हो रहा है, अच्छे अच्छे गेम लैग हो रहे हैं। बट तुम लोग इंस्टॉल करोगे आई डोंट थिंक तुम लोगों में लैग वगैरह कोई दिक्कत मिलेगा, मैंने थोड़ा सा भाई घटाया है। बाय द वे तुम लोग यहाँ पे अपना कार देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है। एंड कंट्रोलिंग की बात करें तो गाइस कंट्रोलिंग एकदम मक्खन की तरह चल रही है यार, एकदम अच्छे से देखो मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ अपने कार वगैरह को। एंड पर्सन जो है मेरा उसको भी मैं अच्छे से एकदम कंट्रोल कर पा रहा था। बट गाइस इसमें तुम लोगों को एक गलत चीज़ देखने के लिए मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक भी कोई बंदा नहीं है। तुम लोग यहाँ पर पूरा, मैं तुम लोग को अगर मैप पूरा एक्सप्लोर करके दिखाऊं तो भी तुम लोगों को एक भी बंदा देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये जो गेम है भाई इसमें बंदे वगैरह तो है नहीं, तो जीटी वाली फील कहाँ से ही आएगी। बाय द वे तुम लोग यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो जो उस गेम के अंदर नहीं कर पा रहे थे। सो वेल गाइस इस वीडियो का लास्ट गेम जो तुम लोग को मैं बोनस में बता रहा हूँ, इसको मैंने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया है। एंड आजकल गाइस ये GTA 5 के नेम पे ना मोबाइल के अंदर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा था, तो मैंने सोचा एक बार क्यों ना तुम लोगों को बता ही दिया जाए। एंड इस गेम के अंदर गाइस तुम लोगों को बहुत कम से कम लैग देखने के लिए मिलने वाला है। एंड भाई इस गेम का जो स्टोरी मोड भी आता है, एंड ऐसे भी तुम लोग खेल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओवरऑल तुम लोग ग्राफिक वगैरह देख सकते हो कितना ज़्यादा सही है, एंड कंट्रोलिंग तो भाई एकदम से परफेक्ट है। लैग वगैरह का भी दिक्कत तुम लोगों को कोई नहीं देखने के लिए मिलने वाला है। गेम काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चलता है, एंड तुम लोगों को इसमें चीट कोड वगैरह भी मिल जाते हैं, जैसे मोबाइल के अंदर तुम लोग चीट कोड डाल के कार वगैरह गाड़ी वगैरह कोई भी चीज़ मंगा सकते हो, बस तुम लोगों को चीट कोड उसका पता होना चाहिए। एंड मैप वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। हाँ, थोड़ा जो मैप है वो ज़्यादा डेवलप नहीं है, ऐसा लगता है खाली खाली सा लगता है। अगर इधर इस एरिया से निकलोगे तुम लोगों को पूरा खाली खाली मैप देखने के लिए मिलेगा। इसके अंदर बंदे वगैरह एंड फाइट वगैरह भी ठीक ठाक होती है। गेम का गाइस तुम लोगों को हमेशा अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा, एंड फ्यूचर में गाइस ये गेम काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि इसका जो अपडेट है इसमें ट्रेन वगैरह तुम लोगों को देखने के लिए मिल जाता है। तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है ये गेम, इसका फ्यूचर भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है। तो इन तीनों गेम्स को तुम लोग ट्राई करना। जो बाकी के दो गेम्स मैंने तुम्हें पीछे बताए वो तुम लोग गूगल से डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक तुम लोग कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस गेम को तुम लोग सर्च कर सकते हो, इंडियन बाइक सर्च कर दोगे प्ले स्टोर के ऊपर, तुम लोग को मिल जाएगा। एंड इसका काफ़ी ज़्यादा वीडियो वगैरह भी बन रहा है यार, सीरीज वगैरह भी बंदे बना रहे हैं। तो जाओ यार ट्राई करो इस गेम को, मतलब सारे गेम्स को ट्राई करो, जो तुम लोग को बेस्ट लगे उसको डाउनलोड करके खेलना। बाय द वे इस वीडियो के अंदर बस इतना ही था, आई होप तुम लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर तुम लोग इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस दोगे तो मैं और ज़्यादा रिसर्च करूँगा, खुद भी कोशिश करूँगा कोई गेम वगैरह GTA 5 टाइप का बनाने की। तो अच्छा रिस्पांस करोगे तब, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर से करना भाई, बिना लाइक किए कुछ नहीं होने वाला है। लाइक करना, कमेंट भी करना, जो तुम लोगों को भाई जो भी सजेशन वगैरह देना हो, एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइस, लव यू गाइस, बाय बाय।